क्या क्या गुजराती स्नैक्स में का हमारे अभी के भाषा में होता है गुजराती स्नैक्स। चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं जा रहा हूँ अभी डांस दीवाने जूनियर की रिहर्सल में और अभी बज रहे रात के 10 और 10:30 तक मुझे बुलाया रिहर्सल करने के लिए। तो प्रतीक सर के टीम में बच्चा है प्रतीक करके जो मुझे पसंद करता है एंड मैं भी उसको पसंद करता हूँ एंड लकीली हम दोनों को ही पेयर अप किया गया है एंड मुझे बुलाया है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको चीयर करने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे अभी जाना है उसके साथ रिहर्सल करना है, उसके साथ डांस करना है और हमारा कुछ मूवमेंट होने वाला है छोटा सा। सो यस, अभी मैं जा रहा हूँ फिल्म सिटी, आपको लेके जाता हूँ, प्रतीक से मिलाता हूँ, बाकी सब लोगों से मिलाता हूँ। फिल्म सिटी में मेन गेट के आगे उतरना है। बोला मैं तो चलूंगा, कहाँ उतरना है आपको देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मुझे बहुत टाइम बाद वॉटर मिला तो उसके लिए करना पड़ा, फाइनली भैया से मिल गए। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है, बोला भाई वॉटर है। तो मैं आ गया हूँ रिलायंस स्टूडियो और उन लोग का एक्ट वेविंग चल रहा है अभी बच्चों का। सो मैं आ चुका हूँ स्टूडियो में, जैसे आया वैसे प्रतीक का ही परफॉर्मेंस अभी होने वाला है, इसका एक्ट वेविंग है अभी। और मैं जैसे आया वैसे इसका ही एक्ट था, मुझे देख के स्माइल क्या है बोला, मैंने उसको ऑलवेज बोला। ऊपर बिनी सर बैठे एक्ट वेविंग कर रहे और ये और देख के मुझे मेरे सारे दिन याद आ गए कि एक्ट वेविंग के कितना प्रेशर रहता था, वो यादें मुझे आ रही है। मोहन भाई, डीजे वाले भैया, चलो गाना बजाओ। हे गाइस, तो मैं आ गया हूँ घर और सैडली मैं फर्स्ट डे के रिहर्सल का कुछ भी फुटेज शूट नहीं कर पाया क्योंकि प्रतीक बेचारा बहुत टेंशन में था, मैं भी टेंशन में था क्योंकि एक ही दिन था, एक ही दिन में हमको हमारा एक्ट फिनिश करना था। सो मैंने सोचा कि पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर मैं कल शूट कर लूंगा। तो अब मैं आ गया हूँ घर, कल स्टेज रिहर्सल है तो सब लोग आने वाले देखने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी सोने से पहले बालों को शैम्पू वैम्पू करके सो जाऊं ताकि कल मेरे बाल अच्छे दिखे। उसके लिए मेरे पास है मामा अर्थ का हीना हेयर केयर रेंज, तो चलो दिखाता हूँ शैम्पू वैम्पू करते। तो सबसे पहले मैं ऑयलिंग करूंगा तो उसके लिए लेना है ऑयल, इसको फटाफट अनबॉक्स करते इसमें छोटी सी करूंगी ये बाल को लगाने के लिए। तो जैसे कि मेरी हसल बसल की लाइफ है और मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं सलून जाऊँ और ये सब ट्रीटमेंट करूँ, सो मामा अर्थ का हीना हेयर केयर रेंज प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर मी। सो मैंने ऑयलिंग कर लिए, थोड़ा देर वेट करते उसके बाद शैम्पू और कंडीशनर से हम लोग बाल धोएंगे। अब बारी है शैम्पू की, हम लोग थोड़ा सा हीना शैम्पू की सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज क्राफ्टेड विद नेचुरल हीना एंड रोस्टेड कॉफी। इस शैम्पू के बारे में और अच्छी चीज बताऊंगा, जैसे कि इट प्रिवेंट्स प्री मैच्योर ग्रेइंग, जेंटली क्लीन्स द हेयर, इम्प्रूव हेयर टेक्सचर एंड सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। तो यस, मैंने अभी शैम्पू कर लिया, अभी मैं बाल धो लेता हूँ उसके बाद हम लोग लगाएंगे कंडीशनर। तो गाइज, मैंने अभी शैम्पू कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर कंडीशनर। So, I'm gonna use Hina conditioner and Mama Earth की सबसे अच्छी goodness ये है कि every time you buy from them, they will link your order on a website to a tree which they will plant. And उनका initiative है कि उनको 1 million tree plant करना है 2025 तक। Wow, what initiative! हमको भी कुछ सीखना चाहिए उनसे। Hey guys, तो मैंने oiling कर ली, shampoo कर लिया, conditioner भी कर लिया and I feel great. And मैं आपको बताना चाहूँगा कि Mama Earth के products available है Amazon, Nykaa and Mama Earth official application. Mama Earth ने अपनी official application launch कर दी है. And if you use my code, you will get 20% discount. My code is applicable on website and application too. Link description में है, अभी जाके खरीदो Hina hair care range product. So अभी बहुत late हो गया है, चलो अभी जाते सोने, कल भी सोने। सो गाइज, मैं आ गया हूँ हॉल पे और मैंने जो कहा था कि मैं प्रतीक के साथ परफॉर्म करने वाला हूँ, सो प्रतीक इधर है, सब लोग को मेरे ब्लॉग में हाय बोल दो एक बार। हाय। ये भी बहुत खुश था और मैं भी बहुत खुश था कि हम दोनों एक दूसरे को मिले। हम लोग फिलहाल छोटा सा ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 30 सेकंड ही कर रहे साथ में श्रीवल्ली गाने पे, लेकिन हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। अभी सेकंड डे रिहर्सल का, कल फर्स्ट डे पे मैं कुछ शूट नहीं कर पाया था बट आज मैं शूट करूंगा। करें रिहर्सल? हाँ, लेट्स गो। जादू करो सो दिस इज डांस दीवाने जूनियर का सेट। ये मेरा कॉस्ट्यूम है और ये भी, तो
कर लेता हूँ। मैंने कैप पहना था तो मेरे बाल खराब हो गए, मैं पहले चेंज कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ कि मेरा कॉस्ट्यूम क्या कलर का। दिस इज माई कॉस्ट्यूम, नागपुर से आया हूँ तो ऑरेंज कलर देखिए पूरा संतरा बना डाला मेरे को। कैप नहीं पहन लो, मेरे बाल खराब है तो कैप पहने। अभी जाके अल्टर कराना है इसको, देखते हैं अभी इसमें और क्या चेंजेस होंगे। मैं पागल था, मैंने ये जैकेट अंदर पहना था बट इसको बाहर पहनना है इस तरीके से। सो इस तरीके से ये थोड़ा कूल लग रहा है। सो अभी मैं पहले इसको प्रैक्टिस करके देखता हूँ हो रहा है कि नहीं, फिर बोलूँगा थोड़ा पैंट पैंट यूज़ करना है। बट कॉस्ट्यूम मस्त लग रहा है, मुझे अच्छा लगा। प्रैक्टिस तो हमने कर ली है, हमारा 1.5 मिनट का एक्ट है, 30 सेकंड में परफॉर्म कर रहा हूँ, 30 सेकंड प्रतीक, फिर हम 30 सेकंड मिलके कर रहे हैं। सो हो गई है प्रैक्टिस, बट मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैं पता नहीं कभी भी परफॉर्मेंस होता है उसके पहले मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ एंड डर भी लग रहा है कि कैसे होगा कैसे नहीं, पता नहीं बहुत डर लग रहा है। इसलिए मैं अभी हॉल पर आया हूँ अकेले, मैं अकेले प्रैक्टिस करूँगा थोड़ा, फिर जाऊँगा चेंज वेंज करूँगा। अच्छा तो लग रहा है, एक बार प्रतीक सर से जाके पूछता हूँ कैसा लग रहा है कैसा नहीं। ए गाइस, सो मैं आ गया हूँ घर, अभी सोऊंगा, कल 12 बजे का कॉल टाइम है, शूट कितने बजे पता नहीं। स्टेज रिहर्सल हुई, बढ़िया हुई और अभी मैं बहुत नर्वस हो गया, वापस जाके प्रैक्टिस करूंगा क्योंकि एक दो स्टेप चेंज हो गई है। यस, अभी प्रैक्टिस करूंगा फिर कल सुबह सेट पर मिलते हैं 12 बजे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है शूट, हम लोग जा रहे हैं अभी शूट पे, अभी हम सब लोग मिलके जा रहे हैं एक ऑटो में, सुमान सुभाष की मम्मी। तो चलते हैं फिल्म सिटी, लेट्स गो। हे गाइस, सो मैं आ गया हूँ सेट पे, लेकिन 2 बजे का शिफ्ट है हमको मालूम पड़ा। सो कल जो कॉस्ट्यूम मिला था वो पहनना नहीं है, वो लोग बोल रहे कि आप लोग अपने ही कपड़े पहनो। सो मैंने घर से कुछ अपने ऑप्शंस लाए, तो अभी मैं जाऊँगा कॉस्ट्यूम रूम, ट्रायल करूँगा क्या अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा रिहर्सल करूँगा। चलो छोटे। हेलो रिद्धि, गुड मॉर्निंग, आप रेडी हो? ऑल द बेस्ट, पार देना, थैंक यू। हे गाइस, मेरा मेकअप होने का है, मैं थोड़ा रिहर्सल करने आ गया। यस, आई एम ऑन डांस इवन जूनियर सेट, ऑडियंस आ गई है, जजेस आने के हैं, प्रतीक आ गया है। तो हम लोग स्टेज पर रिहर्सल कर रहे थे एक बार, और ये मेरा कॉस्ट्यूम है, ये प्रतीक सर का जैकेट है, टी शर्ट मेरी, पैंट मेरा, शूज भी मेरे। तो यस, अभी मैं बहुत नर्वस हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ फटाफट। थर्ड परफॉर्मेंस है प्रतीक का, उसके परफॉर्मेंस के बाद हमारा परफॉर्मेंस होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस, थोड़ा प्रिपरेशन स्टेज पर परफॉर्मेंस के पहले। हेलो गंजू, तो गंजू है। गाना नहीं सुन रहे तुम, YouTube पे कार्टून देख रहे हो। कार्टून प्रतीक पागल हो गया क्रैश मैट देख के। चल आजा बेबी, मार ले, कर ले तेरी ख्वाहिश पूरी। ऐसा मोहन भैया क्या बोला था आपने? फ्लिप भी आलसी लग रहा है उसका। स्लो मोशन करने की जरूरत नहीं आपको। गाइस, प्रतीक मेरे व्लॉग में कुछ करके दिखाना चाहता है आप लोग को, तो देख लो। ए अनिश दिखा, ओ क्या है ये, दिखा बिस्किट दिखा। वेलकम द मेन गाय, लेट्स गो रोल बेबी, परमदीप इज हियर ब्रो। हम लोग गाइस परफॉर्म कर रहे हैं डांस दीवाने जूनियर, जो मैंने मेगा ऑडिशन में एक्ट किया था, नैनो को नैनो से मिला, वो प्रतीक ने पूरा सीखा यूट्यूब से देख के। सो प्रतीक अभी करके दिखाया था, कमान प्रतीक, चेक चेक चेक। सारे पेरेंट्स बैठे इधर और हम लोग इधर स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो अभी मेरा थर्ड नंबर पे, अभी गीत का परफॉर्मेंस है, उसके बाद प्रतीक का परफॉर्मेंस है, उसके बाद हम लोग कड़ा। एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रतीक को चेयर करने आया हूँ और मैं डांस दीवाने जूनियर फॉलो कर रहा हूँ, स्पेशली प्रतीक को, और मैं प्रतीक का दीवाना हूँ। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाय। इसने तो फाड़ डाला आज। हमारा परफॉर्मेंस हो गया और मैं थोड़ा सोलो में थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन जब हमने डुएट किया तो हमने फायर डाला और हमारा वंस मोर हुआ, हमने डबल से किया करेक्ट, तो बहुत मज़ा आया हमको। एंड पता नहीं पुरानी थोड़ा छेड़ रहे थे मुझे जब मैं नोरा मैम के साथ डांस डेट पे गया था, वो सब वापस कराया उन्होंने, तो बहुत मज़ा ऐसा लग रहा है वापस अपने घर आके, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड प्रतीक ने आज माइंड ब्लोइंग डांस किया है,
मैं पीछे से देख रहा था और मेरे को लिटरली गूज बम्स आ गए थे इस पे कैप ट्रिक। इतना डांस करने के बाद उसने एंड में कैप ट्रिक किया, हैट्स ऑफ, थैंक यू। जैसे तो मस्ती नहीं करता, आज बहुत मस्ती कर रहा हूं। गाइस सब लोग टूट पड़े खाने में, रिद्धि के फैमिली से आया है खाना, सब लोग टूट पड़े। इधर देखो, इधर टेपले की प्लेट। क्या क्या? गुजराती स्नैक्स नहीं होता, हमारे अभी के भाषा में होता है गुजराती स्नैक्स। बस करो भाई, प्लेट पूरी चाट खा ली है। गाइस मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि आज डांस जीवन है जूनियर के सेट पे सारे मेकअप दादा छुट्टी पे हैं, तो उसका काम गुंजन चिपटा रखा है। अगर किसी को भी सेट पे सेफ्टी पिन चाहिए रहेगी तो गुंजन अपना सर दिखाएगी। दिखा दो गुंजन। तो जितने भी बच्ची लड़कियाँ गंजू, तू तो गंजू है। बाबा क्या है ये द सेफ्टी पिन को। तो मैं आप लोग को एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलाने वाला हूँ। चल बस कर, इतनी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, चेहरा ही बहुत है। हम लोग आज डांस दिवाने के जूनियर्स के सेट पे हैं और पीयूष ने बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है। बाय बॉय, खतरनाक खतरनाक, मतलब मेरा कुछ होगा। अरे सर क्या बोल, डांस को लेके, डांस को लेके सर। देखो यहाँ पे कितनी सारी आंटियां आई हैं, खा पी के ढोकला वोकला खिलाया उन्होंने सबको, मेरा गला खराब हो गया थोड़ा सा ढोकला करके, बट कोई बात नहीं, आंटियों का प्यार है। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे ब्लॉग में सब लोगों से बात किया। सब लोग लाइक फॉलो सब्सक्राइब मेरे को। थैंक यू सर। तो रिद्धि के एक्ट में एक मोमेंट हुआ था, सब गरबा खेलने थे, तो मैंने बहुत जम जम के गरबा खेला, आज डाउनी गरबा खेला। इनके वजह से मैं इतना नाचा हूँ, आप लोग एपिसोड में देखना, परफॉर्मेंस बहुत थक गए बहुत ज्यादा। तो हमारा पैकअप हो चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर और मजा आ गया। मैंने बहुत 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 डांस किया और सोमू ने भी फाड़ दिया आज तो। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ अपना बैग लेने के लिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, घर कैसे जाएंगे नो आइडिया। हाय गाइस, सो पैकअप हो गया, अभी मैंने अपनी बैग वैग ले ली और हम लोग अभी जा रहे हैं घर। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो रखते हैं इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, क्या क्या बोला, तो लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।